Welcome students to your EVS class. We are back with our EVS period today and I hope you have done your exams well. Good. So now we are going to begin with a new lesson as we have completed lesson number 5 till the last week and now we are going to begin with lesson number 6. Let us be safe and the page number to this will be 172. So be ready with your semester 2 book, EVS part, page number 172, that is Let Us Be Safe. Yes? Now, what do you mean by safe? Safe means protected, you know, Surakshit. Nowadays, सेफ वर्ड इज़ वेरी कॉमन क्योंकि वायरस चल रहा है तो अब आपको समझ में आएगा कि सेफ बी होम बी सेफ राइट घर रहो और सुरक्षित रहो यस सो सेफ मीन्स टू बी प्रोटेक्टेड टू स्टे प्रोटेक्टेड एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम थिंग्स दैट वी कम अक्रॉस एंड इन आर हाउस एट आर होम एट आर स्कूल एट प्ले ग्राउंड ऑन रोड सो दीज देर आर मेनी सेफ्टी रूल्स दैट वी शुड follow to be safe to be protected so that we cannot be do not get injured हमें चोट ना लगे हम किस तरह से accident कोई भी accident हो सकता है घर पे हो सकता है आपके school में आप accident हो सकता है road में हो सकता है आप जहाँ खेल रहे हो that is also an accident कहीं पे भी accident हो सकता है for that some safety measures some safety rules we have to follow to avoid accidents accidents means घटनाएं जो हमें लगती है ना हमें चोट लगती है हम कहीं गिर जाते हैं हमें चोट लग जाती है सो दैट मीन्स यू आर मेट विद एन एक्सीडेंट ओके जो सडनली होता है हमारे अननोइंगली होता है दैट इज कॉल्ड एन एक्सीडेंट ओके सो नाउ देयर इज अ वार्म अप एक्सरसाइज यू आर यूजिंग सिजर्स एंड कटिंग सम पिक्चर्स टू पेस्ट इन योर स्क्रैप सडनली यू कट योर फिंगर वी यूज टू हैव सम सीजर वर्क है ना हमारे जैसे घर पर हमने कुछ पेस्टिंग के लिए या कुछ पिक्चर्स हमने कट कर लिया एंड सडनली यू गॉट अ कट आपका हाथ में वो सीजर लग के कट हो गया सो वॉट विल यू डू दिस यू हैव टू फिल बाई योर सेल्फ दिस विल बी योर इंडिविजुअल आंसर इन द वार्मअप बॉक्स कि आप क्या करोगे तब जब आपका हैंड या आपके हैंड में चोट लग जाती है फिंगर में चोट लग जाती है ओके दैट इज हैज टू बी डन बाई यू क्लियर स्टूडेंट सो नाउ एक्सीडेंट्स क्या होते हैं एक्सीडेंट्स कैन बी बिग कैन बी स्मॉल छोटी सी चोट भी हो सकती है बड़ी सी भी चोट हो सकती है राइट सो एनी टाइम एनी प्लेस सो इट कैन कॉज सीरियस डैमेजेस कुछ जो होते हैं वो हमारे हम कुछ उसमें क्रीम अप्लाई कर देते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई कर देते हैं डेटॉल से क्लीन करके हम बैंडेज लगा देते हैं सो दैट विल बी ओके बट सब जो हम बहुत बिग एक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे लिए डेंजरस होते हैं राइट सो इट शुड बी अवॉइडेड हमें ये सब हमें एक्सीडेंट से दूर रहना है तो उसके लिए हम जो होते हैं हम सेफ्टी मेजर्स फॉलो करते हैं राइट वी यूज टू फॉलो द सेफ्टी मेजर्स फॉर दैट वी हैव टू यूज द सेफ्टी मेजर्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स अंडरस्टूड स्टूडेंट्स ओके So now at home, we are going to cut today, we are going to take at home and at school. Two places where we can avoid accidents or we can be safe. So how we can be safe, let us see. At home, what are things we can find with, we can find knife, scissors, switches, right? So these all are the things with which we can meet with an accident. So scissors, knives, blades, these we should not use. We should not use sharp objects. Sharp objects are scissors. Scissors you know na? Yes, scissors. Then blade also is there available at our homes. Then knives. You know what are knives? No, knives. Knives, chaku. जिसे हम vegetables cut करते हैं, we cut vegetables with knives. Yes, yeah. Fruits and vegetables we cut with knives. So knives, okay? Knives are
that we call as chaku, that we use to cut the vegetables or fruits. They are called knife. Knife बोलते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं तो knives बोलते हैं, right? So these are the things that can cause us hurt. These things has to be taken when you are using this thing, some elder person should be there with you. आपके साथ कोई भी बड़ा, आपसे बड़ा आपके साथ होना चाहिए, कोई भी grown up. ऐसा नहीं कि भाई है तो वो मेरे से बड़ा है, तो एक साल बड़ा है वो उनके साथ दो. थोड़े से समझदार लोग, यू कैन से एडल्ट, ओके, कोई भी बड़ा लोग जो उनको हैंडल करना आता है, जिनको सीजर्स नाइफ सब हैंडल करना आता है केयरफुली, उनके साथ ही आप इनका यूज कर सकते हो, राइट. यू शुड यूज दिस विद द हेल्प और विद द गाइडेंस ऑफ अ एल्डर पर्सन, ऑफ एन एल्डर पर्सन. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? सो यू शुड नॉट टच दिस विदाउट any help of your parents or any elder person. You should use this. If you want to use this, you should take somebody's help, that is elder to you, and who the person who know to use this, jinko carefully use karna aata hai. So that's why sharp objects jo hame chot pahuncha sakti hai wo hai scissors, blades and knives. So this has to be used in the presence of an elderly person. Understood, students? Yes. So next dangerous things we can see in our house is electric wires, electric sockets. You can see small jo children hote hain, they are very small and they don't know what are the switches and what are the bad effects of the switches or bad effects of the electric sockets. लेकिन अगर आप उसको, अगर वो बच्चा उस सॉकेट के अंदर फिंगर डालता है एंड सच स्विच ऑन हो जाता है, देन व्हाट विल हैपन? यस, शॉक लगेगा ना, ही विल और शी विल गेट शॉक. यस, सो इट्स वेरी डेंजरस टू प्ले विथ इलेक्ट्रिक स्विचेस. इट्स वेरी, इफ यू वांट टू ओपन द स्विच और यू वांट टू टर्न ऑन द स्विच, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू वेयर स्लीपर्स. डोंट स्विच ऑन और ऑफ विथ बेयर फुट. बेयर फुट मीन्स आपके इस पाँव में कुछ भी ना हो, ऐसे आप स्विच को टच नहीं करना. ऑलवेज वेयर अ स्लीपर, रबर स्लीपर्स, ओके. स्लीपर्स पहन के आपको स्विचेस को ऑन या ऑफ करना है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इफ योर हैंड्स आर वेट, इफ योर हैंड्स आर वेट, वेट मीन्स क्या होता है, गीला हो, गीले हाथ से कभी स्विचेस को नहीं छूना चाहिए, वो भी एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा. एंड शॉक लगेगा तो यू, इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर योर लाइफ. सो इलेक्ट्रिक स्विचेस, ओके, इलेक्ट्रिक स्विचेस आर ऑल्सो डेंजरस थिंग इफ यू विल नॉट टेक केयर ऑफ इट. इलेक्ट्रिक स्विचेस शुड बी यू टच्ड और यूज्ड एनीथिंग विथ रबर स्लीपर्स, ओके. आपको रबर स्लीपर्स पहन के, स्लीपर्स पहन के उसको, या शूज स्लीपर्स पहन के उसको टर्न ऑन या टर्न ऑफ करें. एंड डोंट यूज इट विद वेट हैंड्स. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? नेक्स्ट डेंजरस थिंग इज मैचस्टिक एंड लाइटर्स. व्हेन यू गो टू किचन, यू कैन सी सिलेंडर इज देयर, इट इज फुल ऑफ गैस, filled with gas, and if you light the matchstick or lighter in front of it, it can be dangerous for you. So don't use matchsticks and lighter. Matchsticks, you know, matchsticks and lighter. These are also another dangerous thing that we find in our house. If it is not used properly or carefully, it can cause your life damage. Okay? Then you should keep your books properly, toys properly. After studying, you should keep your books and copies at the proper place where your mother has allotted you the place. And your toys also should go back to the toy box from where you have taken after playing. This I can say that most of the students are not following. Most of the children are keeping the toys here and there. After playing, it is all
स्क्रैम्बल्ड ओवर हियर एंड देयर. सो आफ्टर प्लेइंग आपको अपने टॉयज अपने टॉय बॉक्स में रखना चाहिए. आपको अपने बुक्स एंड कॉपीज पढ़ने के बाद अपने कबर्ड में जहाँ पर भी मम्मा ने आपको स्पेस दिया है या अपने बैग में वापस रखना चाहिए. सो दैट कैन ऑल्सो कॉज यू एन एक्सीडेंट. वाइल मॉपिंग द फ्लोर, मॉपिंग द फ्लोर मीन्स मम्मा आपके फ्लोर क्लीन करती है, राइट. सो मॉपिंग द फ्लोर मीन्स फ्लोर जब वेट रहता है, मॉप मॉप यू नो गीले कपड़े से. ओके, व्हेन योर मदर इज मॉपिंग द फ्लोर और वन वेल एनीबडी, नॉट ओनली मदर, एनीबडी इज क्लीनिंग द फ्लोर विद वाटर, यू शुड सिट एट अ प्लेस रादर दैन रनिंग हियर और देयर, बिकॉज यू विल स्लिप डाउन एंड यू विल ब्रोक एनी वन ऑफ योर टीथ, दैट्स फॉर श्योर. आपके दांत जरूर टूटेंगे. ओके, सो वेन मदर इज क्लीनिंग, जब मम्मी पोंछा लगा रही, मॉपिंग मीन्स पोंछा लगाना. सो वेन मदर इज मॉपिंग द फ्लोर, वाटर से क्लीन करनी है फ्लोर, सो वॉट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू सिट बाय साइड अंटिल एंड अनलेस वो जो फ्लोर सूख नहीं जाता, यू विल नॉट वॉक और रन ऑन इट, बिकॉज इट कैन कॉज ऑल्सो एन एक्सीडेंट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? So what all things we have studied? We have studied about at home we should not use sharp objects. If we want to use the sharp objects like scissors, blades, knives, then we should take the help of an elderly person. Electric switches should not be touched with bare foot. है ना, bare foot मतलब पाँव में कुछ नहीं होना चाहिए, नंगे पाँव में नहीं छूना चाहिए, bare foot or wet hands or foot. Yes. Next. Matchsticks and lighter should not be used by yourself. It has to be handled again with the help of an elder. And I don't think so. Matchstick or lighter ki aapko zarurat kabhi padti hogi. So don't use it. Okay. So next, then books and copies. Books and copies should be Copies should be kept at the proper place after studying. And toys should be kept back to the toy box after playing, because if anyone gets the feet on it, they will slip and they will break their bones, they will meet with an accident. And the last one we have studied at home, that mopping, while mopping means cleaning the floor with water, jab mop hota hai matlab cleaning the floor with water, that time also you should sit at one place till the floor is dry, totally dry, then only you should step on. Understand that this was the safety rule that you should follow at home. So you are going to read it and understand it well. And tomorrow we will be doing, or in the next period we will be doing at school, what are the safety rules you have to or you need to follow. So students, don't only read this, understand it, follow it in your life. These are the safety rules that you should follow while staying at home. And you should also teach others और योर यंगर वंस, आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी ये सब रूल्स आप बताएंगे, आप भी फॉलो करेंगे और आपके भाई बहनों को भी इन्फॉर्म करेंगे, राइट. सो दिस इज नॉट ओनली फॉर रीडिंग, दिस इज टू ब्रिंग इन टू प्रैक्टिस, ये आपको अपने लाइफ में प्रैक्टिस में भी लाना है. ओके स्टूडेंट्स, सो मीट यू इन द नेक्स्ट पीरियड, टिल देन टेक केयर, बाय, बी होम, बी सेफ.